बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 11 की गर्जना। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। लखनऊ से बड़ी खबर है, अवैध खनन कराने वाले अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई हुई है। कई अधिकारी निलंबित और कई मुख्यालय से अटैच किए गए हैं। बड़ी जानकारी राजधानी लखनऊ से है, अवैध खनन कराने वाले अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई। कई अधिकारी निलंबित कर दिए गए, कई मुख्यालय से अटैच किए गए हैं। खनन निदेशालय ने अवैध खनन की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की है। अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी, संदिग्ध मिली थी। वाराणसी के खान अधिकारी परिजात त्रिपाठी निलंबित किए गए, जौनपुर के खान अधिकारी विनीत सिंह निलंबित किए गए हैं, आजमगढ़ के खान निरीक्षक सुनील मौर्य निलंबित किए गए और लिपिक सुमित श्रीवास्तव निलंबित किए गए। मऊ के खनिज मुहर्री राजा राम चौहान मुख्यालय से अटैच किए गए हैं। किन किन पर यह कार्रवाई हुई, पूरी जानकारी सूची आपके सामने, ये बड़ी खबर। और मिर्जापुर के खान अधिकारी आशीष चौधरी मुख्यालय से अटैच किए गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी है, अवैध खनन कराने वाले जो अधिकारी कर्मचारी उन पर गाज गिरी है। मेरे साथी विवेक त्रिपाठी इस पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ये सख्त मैसेज भी दे दिया गया, जो भी ऐसे मामलों में लिप्त होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारी और कर्मचारी जो इसमें पाए गए हैं खनन में संलिप्त, उन पर एक्शन लिया गया। विवेक, बिल्कुल दीपा, एकदम ये मुख्यमंत्री की बहुत सख्त कार्रवाई है। पिछले दिनों खनन निदेशालय की टीम को तमाम शिकायतें मिल रही थी अवैध खनन कराने की। इसके बाद एक टीम गोपनीय रूप से भेजी गई थी निदेशालय की, जिसने जगह जगह पर जांच की, खासकर जो पूर्वांचल के जनपद हैं वहां पर जांच की, तो कई अधिकारी और कर्मचारी अवैध खनन कराने में लिप्त पाए गए। इनके खिलाफ एक रिपोर्ट बनाई गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर वो रिपोर्ट शासन को भेजी गई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी को निलंबित कर दिया है। इसमें वाराणसी के खान अधिकारी हैं, जौनपुर के खान अधिकारी हैं, आजमगढ़ के खान अधिकारी हैं, इनको निलंबित किया गया है। इसके अलावा तमाम ऐसे कर्मचारी जिनकी कहीं ना कहीं मिली भगत शामिल थी, उनको अटैच किया गया है मुख्यालय से। इसमें मऊ, मिर्जापुर, झांसी, जो खनन के लिए बड़े रिच एरिया माने जाते हैं, इन लोगों को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। और कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी अभी भी हैं जो रडार पर है शासन के, जिनकी जांच चल रही है। बीते दिनों जब गोपनीय रूप से निरीक्षण किया था निदेशालय की टीम ने, तब इनके नाम सामने आए थे, क्योंकि अवैध खनन को लेकर एक लगातार शिकायतें मिल रही हैं। जो खनन पोर्टल बना है उसमें भी ऑनलाइन लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और कई लोगों ने जो रोशन जैकब है इसकी अधिकारी, उनसे भी मिलकर शिकायत की थी। उसके बाद टीम गठित की गई थी, और टीम गठित करने के बाद कई तमाम जनपदों में जाकर निरीक्षण किया और वहां वस्तु स्थिति को देखा, वहां पर जमीन पर जाकर हालात देखे, और हालात के बाद ये कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में बेहद सख्त है, और उन्होंने कहा है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी जो भी अवैध खनन में शामिल होगा, संलिप्त होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और भविष्य में भी जो निलंबित हुए हैं कर्मचारी अधिकारी, उनकी भविष्य में भी तैनाती को लेकर भी निर्देश दिए गए कि किसी भी ऐसी संवेदनशील जगह पे उनको तैनात ना किया जाए। जो खनन के मामले में कहा जाता है कि जो मलाईदार जगह होती है, जहां पर इस तरह का खनन होता है, मलाईदार जगहों पर तैनाती करा लेते हैं लोग अपने जुगाड़ से, सिफारिशों से, उन जगहों पर तैनाती से। ठीक है विवेक, जहां पर ऐसी संभावनाएं आगे और बनती हुई दिखाई देंगी, वहां पर इनको पोस्टिंग ना मिले, इनको तैनात ना किया जाए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री के निर्देश हैं। अब अधिकारी कर्मचारी जो खनन के तमाम मामलों में संलिप्त रहे हैं या फिर उनकी मिलीभगत उजागर हुई है, उन पर एक्शन लिया गया। सख्त ये संदेश है मुख्यमंत्री का। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी एक और आपको बता दें, स्कॉलरशिप घोटाले में ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 3000 से ज्यादा फर्जी बैंक खाते मिले हैं। एससीएसटी और दिव्यांगों की स्कॉलरशिप हड़पने के लिए फर्जी खाते बनाए गए। ईडी की जांच में 75 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा हुआ। 12 साल के बच्चों और बुजुर्गों के नाम पर फर्जी खाते खोले गए। ईडी ने लखनऊ, हरदोई समेत कई जगहों पर छापेमारी की थी, और इसमें ये बड़ी बात सामने आ रही है, घोटाले पर ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। 3000 से ज्यादा फर्जी बैंक खाते पाए गए हैं। एससीएसटी और दिव्यांगों की स्कॉलरशिप हड़पने के लिए ये फर्जी खाते खोले गए। ईडी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनावों में जीत के लिए भाजपा का प्लान तैयार हो चुका है। हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्री के बाद अब यूपी के मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। यूपी सरकार के मंत्री 66 जीती हुई सीटों पर प्रवास करेंगे। मार्च से कहा यह जा रहा है कि शुरू होगा लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा का मेगा प्लान। पहले फेज में कम अंतर वाली सीटों की जीत पर फोकस किया जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर होगा जहां जीत का अंतर काफी कम रहा।
वहां पर पहले फोकस होगा, वहां पर हार को जीत में किस तरीके से बदला जा सकता है इस पर मंथन किया जाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। ये पूरा जो मेगा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का वो समझ में आ रहा है। आइए तफसील से आपको बताएं कि बीजेपी का मेगा प्लान क्या है। लोकसभा चुनावों में जीत के लिए भाजपा का प्लान तैयार हो चुका है, किस तरीके से हारी हुई सीटों को जीत में तब्दील करना है। हारी हुई सीटों पर जीत दिलाने के लिए यूपी के मंत्री मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे, योगी के मंत्री मैदान में उतरेंगे। ज्यादा फोकस उन सीटों पर होगा जहां जीत का अंतर काफी कम रहा है, और साथ ही यूपी सरकार के मंत्री जो हैं वो 66 जीती हुई सीटों पर प्रवास करते हुए आने वाले दिनों में आपको नजर आने वाले हैं, और सभी वर्गों के लोगों से संवाद स्थापित किया जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे मंत्री। मार्च से शुरू होगा लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का ये मेगा प्लान, मार्च से इसकी शुरुआत होने वाली है, और पहले चरण में कम अंतर वाली सीटों की जीत पर फोकस मंत्री करते हुए दिखाई देंगे, और सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर होगा ये कहा जा रहा है जहां पर जीत का अंतर बेहद कम रहा, काफी कम रहा। अब देखिए बीजेपी का किन सीटों पर ज्यादा फोकस है ये भी आपको समझाएं। मछली शहर सीट सिर्फ 181 वोटों से जीती थी भारतीय जनता पार्टी, यहां पर फोकस होगा, और मेरठ की सीट पर जीत का अंतर 4729 वोटों का था। मुजफ्फरनगर आप देख लीजिए 6526 मतों से जीत हासिल हुई थी बीजेपी को। इसके अलावा चंदौली की सीट है 13954 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार यहां पर जीते थे। रामपुर आजमगढ़ में जीत का अंतर 1,00,000 वोट से कम कर रहा था, यहां पर भी फोकस होगा। 30 लोकसभा सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां जीत का अंतर 1,25,000 वोटों से कम कर रहा है, यहां पर मंथन होगा, यहां पर फोकस होगा, किस तरीके से यहां और स्थिति को मजबूत किया जाए इसी पर आगे मंथन करते हुए बीजेपी के तमाम मंत्री आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। चलिए सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चले, लखनऊ से मेरे साथी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विवेक, पहले तो केंद्रीय मंत्री मोर्चा संभालेंगे ये खबर हमने दर्शकों को बताई थी, अब यूपी के मंत्री जो है वो भी 66 सीटों का दौरा करेंगे, वहां प्रवास करेंगे और स्थिति कैसी है उसको जानने की कोशिश करेंगे। जो हारी हुई सीट उन पर ज्यादा फोकस होगा कि हार को जीत में किस तरीके से तब्दील करना है, इसी को लेकर वो रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे। विवेक, देखिए दीपा, 80 लोकसभा सीटों में जो 55 सीटें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 1,25,000 या 1,00,000 से कम वोट मिले थे। 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर 10,000, 12,000, 15,000, 16,000 ऐसे वोटों से जीत हासिल हुई थी। सबसे ज्यादा फोकस इन 11 सीटों पर है। उसमें मछली शहर की सीट 181 वोटों से जीती थी, मात्र 181 वोट, लगभग हारते हारते बच गए थे। तो ऐसी सीटों पर चुनाव कराने के लिए, चुनाव जीतने के लिए रणनीति तैयार की है भाजपा ने, मेगा प्लान बनाया है। और जिस तरह से हमने देखा कि जो हारी हुई सीटें थी, 14 सीटें बीजेपी की, उनमें सबसे पहले नड्डा गए थे गाजीपुर, और गाजीपुर चूंकि हारी हुई सीट थी तो वहां से बिगुल फूका था लोकसभा चुनाव का, और वहां से शुरुआत की थी हारी हुई सीटों को जीतने के लिए अपने अभियान की, और उसमें सारे केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया था। अब जो जीती हुई सीटें हैं भाजपा के पास ऑलरेडी हैं, लेकिन वहां पर सारे कील कांटे दुरुस्त करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री लगाए गए हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री होंगे, इसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होंगे, और इसमें राज्य मंत्री होंगे। तो ये पूरा प्लान किया गया है। 11 जो सीटें ऐसी हैं जो 10-12,000 के वोटों के अंतर से हार जीत हुई थी, वहां पर कैबिनेट मंत्री लगेंगे। इसके बाद 25 सीटों पर भी जहां पर 1,00,000 से कम जीत का अंतर था, वहां भी कैबिनेट मंत्रियों को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1,25,000 या 1,50,000 वोटों का हार जीत का अंतर था, वहां पर राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री लगाए जाएंगे। ये प्लान मार्च से शुरू होगा, क्योंकि 28 फरवरी को अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश आएंगे, वहां पर सभा करेंगे और वहां लोगों से मिलेंगे, वहां जीत का एक जो राजनीतिक आधार होता है, जमीनी आधार होता है, वो तैयार करेंगे, रणनीति बनाएंगे। उसके बाद फरवरी के बाद, 28 फरवरी के बाद मार्च से भाजपा का ये मेगा प्लान जमीन पर उतर आएगा। सारे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, कोशिश ये की जा रही है कि जो जिस जिले का प्रभारी मंत्री है उसी जिले की सीटों को उसकी जिम्मेदारी दी जाए। इस प्लान के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने पूरी तरह से एक रणनीति तैयार कर ली है, और अपने जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बातचीत भी हो गई है, बैठक भी हो गई है। अब मार्च से जमीन पर उतरेंगी, तस्वीरें सामने आएंगी, कौन मंत्री कहाँ जाएगा, इसमें सारे, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे तमाम मंत्री हो कैबिनेट के, राज्य मंत्री, सबको लगाया गया है। तो ये 11 सीटों का, 25 सीटों का और 30 सीटों का,
ये फार्मूला तैयार किया है। आप कह रहे हैं कि 14 जो सीटें हार गए थे उस पर तो नजर है बीजेपी की, लेकिन 66 सीटें जहां पर जीत हासिल हुई, वहां पर जहां जीत का कम अंतर रहा वो 11 सीटें, उन पर ज्यादा फोकस होगा, वहां पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और वहां स्थिति को मजबूत करने की बीजेपी की कोशिश होगी और पूरा जो प्लान है वो जल्द ही सबके सामने भी नजर आएगा, कौन कहां पर मंत्री जाने वाला है इसको लेकर। शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए और तफसील से पूरी बात। अब चलिए आगे बढ़े, दिल्ली से बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा का प्लान तैयार हो चुका है। जेपी नड्डा 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, अन्य केंद्रीय मंत्री भी यूपी के दौरे पर पहुंचेंगे ऐसी जानकारी मिल रही है। अभी नड्डा को लेकर की खबर यह है कि 28 फरवरी को अमरोहा पहुंचेंगे और सहारनपुर के दौरे पर भी उनको जाना है और इनके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और भी हैं जो यूपी के आने वाले वक्त में दौरे पर आपको नजर आएंगे, अलग अलग हिस्सों का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा का प्लान तैयार हो चुका है। जेपी नड्डा 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और अन्य मंत्री भी आपको अलग अलग हिस्सों में दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे 28 फरवरी को। खबर बिजनौर से है, यहाँ लोग गुलदार के खौफ में इस वक्त जी रहे हैं। एक बच्ची को गुलदार ने निशाना बना दिया, बच्ची अपनी माँ के साथ मंदिर जा रही थी तभी खेत में घात लगाए बैठे गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। गांव वालों की मुश्किल से गुलदार के चंगुल से बच्ची को छुड़ाया गया, गांव वालों ने मुश्किल से ये कहा जा रहा है कि गुलदार के चंगुल से बच्ची को छुड़ा लिया, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो गई थी। वन विभाग की टीम जंगल में पिंजरे लगाने की कवायद में अब जुट गई है। हमारे बड़े भाई की क्या हुआ था, ये कहाँ गई थी? ये मंदिर पर जा रहे थे, वहाँ पर गुलदार आया, वहाँ पर से लिसड़ के उठ गया, चिपट गया, ले गया खींच के, शोर मचा, फिर सारे लोग आए, बहुत सारे काफी लोग आए, वहाँ रोल मचाई, काफी हल्ला करा के छोड़ दो उसको। गोरखपुर से बड़ी खबर, दरोगा ने दुकान वाले लगाने वाली महिलाओं को पीटा है, महिलाओं को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर का ये वीडियो बताया जा रहा, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज कुंवर गौरव सिंह का ये वीडियो बताया जा रहा है जो वायरल हो रहा है। गोरखपुर से खबर, दरोगा ने दुकान लगाने वाली महिलाओं को पीटा और पीटते हुए महिलाओं को ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर का ये वीडियो बताया जा रहा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज कुंवर गौरव सिंह इनका नाम बताया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज है जो महिलाओं को इस तरीके से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। ये देखिए, गोरखपुर से खबर, वहीं का ये वीडियो, दरोगा ने दुकान लगाने वाली महिलाओं को पीटा, ये वीडियो वायरल हो रहा है और ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज कुंवर गौरव सिंह का ये वीडियो बताया जा रहा है महिलाओं के साथ मारपीट का। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है, 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर पूरे विधि विधान के साथ कपाट खोल दिए जाएंगे। बाबा केदार की शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में कपाट खोलने की तिथि तय हो गई है और बद्री केदार मंदिर समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में तिथि को घोषित कर दिया गया। ओमकारेश्वर मंदिर को महाशिवरात्रि के पर्व पर गेंदे के फूलों से सजाया गया है। वहीं आज मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है और इस बार विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी भी भव्य रूप में दिया गया है, सजाया गया है इस मंदिर को भी। बाबा केदार के दर्शन कब कर पाएंगे वो तारीख सामने आ गई है, 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर बाबा केदार के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे, इंतजार खत्म हो गया। बाबा केदार जल्द ही दर्शन देने वाले हैं, 25 अप्रैल की वो तारीख है, 25 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 का वक्त है जब पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। 21 अप्रैल को डोली प्रस्थान कर गुप्तकाशी में रात्रि विश्राम होगा और 22 अप्रैल को फाटा पहुंचेगी बाबा केदारनाथ की डोली, बाबा केदार की डोली, और 23 अप्रैल की तारीख बताई जा रही है, 23 तारीख को गौरीकुंड पहुंचेगी ये बाबा केदार की डोली और 24 अप्रैल को केदारनाथ धाम ये डोली पहुंचेगी। उसके बाद 25 अप्रैल की तारीख आप जानते हैं जब सुबह 6:20 पर पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे, भक्त यहां पर जाकर के बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे, 25 अप्रैल की वो तारीख है। और 21 से लेकर के 25 तक किस तरीके से पूरा ये काम होना है
23 अप्रैल को गौरीकुंड पहुंचेगी डोली और उसके बाद 24 तारीख को ये कहा जा रहा है कि केदारनाथ ये डोली पहुंच जाएगी। उसके बाद सुबह 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर बाबा केदार के कपाट दर्शन के लिए भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। अभिषेक काल के लिए दर्शन बंद होते हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। आपको अलग अलग हिस्सों की तस्वीर दिखाते हैं। यूपी उत्तराखंड में भी महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में शिवालयों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, शिवभक्त दूर दूर से शिवालय पहुंच रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं। माना यह जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी हुई थी और उनकी शादी की सालगिरह को ही शिवरात्रि के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देश भर में महाशिवरात्रि की धूम। और ये तस्वीर वाराणसी की है, गोरखपुर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मंदिरों में तांता लगा हुआ है भक्तों का। और तस्वीर आप देखिए, अमरोहा की तस्वीर है, इसके अलावा बाराबंकी की तस्वीर है, रायबरेली की तस्वीर है, प्रयागराज की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, जोशीमठ, हरिद्वार, उज्जैन, मुंबई, रामेश्वर की ये तस्वीर आप देखिए, 12 तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से मंदिरों में सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान शिव की पूजा आराधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोरखपुर में भी सुबह से बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिरों में दिखाई दे रही हैं। काशी में भी, जो कि भगवान शिव की नगरी है, सुबह से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भी पहुँच रहे हैं। अमरोहा की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, बाराबंकी की तस्वीर है, रायबरेली की तस्वीर है, बरेली है, जोशीमठ में भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीर है, उज्जैन, मुंबई, रामेश्वर की तस्वीर भी आपने देखी। अब उत्तराखंड की ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें उत्तराखंड की हैं, हरिद्वार की तस्वीर, देहरादून की तस्वीर और ये मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। ये तस्वीर हल्द्वानी की आप देख पा रहे हैं। उत्तरकाशी की तस्वीर भी आपके सामने है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों का रुख कर रहे हैं, सुबह से ही जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान भोले की भक्ति में लीन जो श्रद्धालु हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और आज शाम तक ऐसी तस्वीर आप देखेंगे। सुबह से जो शुरुआत हुई है भक्तों का मंदिरों की तरफ रुख करने का सिलसिला जो आगे बढ़ा है वो शाम तक ऐसे ही चलता रहेगा। हरिद्वार की तस्वीर, हल्द्वानी की तस्वीर, उत्तरकाशी की तस्वीर आपके सामने और देहरादून की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर भी सुबह से महिलाएं, पुरुष, हर वर्ग के लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं और वहां पर जाकर के भगवान भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं। गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद में भी शिवालयों में महाशिवरात्रि की धूम है। दुधेश्वरनाथ मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है, मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर रावण के पिता ने भी पूजा अर्चना की थी और प्राचीन ये मंदिर है। रात 12 बजे से ही जो भक्त हैं, भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तो यहाँ अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहीं अगर बाहर की बात करें तो बाहर भी कई किलोमीटर जो भक्तों की लाइन है वो लाइन लगी हुई है। बात करते हैं, आप बताइए कि क्या नाम है आपका? देवेंद्र हितकारी। हितकारी जी, कब से आ रहे हैं? मैं पिछले 30 साल से आ रहा हूँ। मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे गुरु हैं। भगवान शिव के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है और यहाँ लाखों ऐसे भक्त हैं जो शिव के अनुयायी हैं, जो शिव की लाइन में रात 2 बजे से 1 बजे से लगे हुए हैं और बहुत बहने हैं हमारी और सब, बहुत लंबी लाइन है। और इस मंदिर की बड़ी आस्था है और ये मंदिर 550 साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर में जो भी आपके मन में भी कोई कामना है, अगर आपने कोई कही भी नहीं है तो भी वो पूरी हो जाती है। क्या चढ़ाया आज के दिन, क्या महत्व, अगर महत्व की बात की जाए तो? भगवान शिव को जो भी प्रिय चीज़ें हैं उसमें फल है, भांग है, धतूरा है और इससे भी अलावा जो आपके कसाय है, कलमस है, अहंकार है, क्रोध है, ये सब भगवान को समर्पित करने होते हैं। कि भगवान के द्वार पर पहुँच गए हैं, दुधेश्वर मंदिर के द्वार पर पहुँच गए हैं और आपको दिखाते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये देखिए यहाँ पर किस तरह से ये सजा के लाए हैं। टोकरी है, जो मालाएं हैं, इसमें दूध है, भांग है, धतूरा, सब कुछ है। क्या क्या है इसमें? सारे जो शिव जी को चढ़ाया जाता है। पहले भी आए हैं यहाँ पर इस मंदिर में? फर्स्ट टाइम। क्या क्या सुनकर आए हैं मंदिर के बारे में, अगर बात की जाए आज तक? श्रद्धा। अब आपको यूपी के मुखिया योगी की शिव साधना दिखाते हैं। महाशिवरात्रि के इस मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी की शिव साधना देखने को मिली। तस्वीर आप देखिए, गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। आपको बता दें कि सीएम योगी गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और शिवरात्रि के इस मौके पर यहाँ पर सुबह गोरखपुर में सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करते हुए दिखाई दिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी, महाशिवरात्रि का मौका और सीएम योगी गोरखपुर में मौजूद हैं। 3 दिवसीय उनका ये गोरखपुर का दौरा और आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इस खास मौके पर
वहां रुद्राभिषेक करते हुए गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी दिखाई दिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।